वसी यीशु के अजीम और जलाली नाम में मैं तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ मेरा नाम मुबारक मसीह है मैं फाउंडर एंड चेयरमैन ग्रेट कमीशन वस्टिक चर्च मिनिस्ट्री का हूँ आज मैं नेशनल न्यूज नामक का शक्र गुज़ार हूँ भाई बाबर का जिन्होंने मुझे मुदाव किया कि मैं आज आकर खुदा के कलाम की खिदमत करूँ आज मेरा जो मैसेज है वो पाँचवें कलमे के ऊपर है खुदाद को बरकत दे आज मेरे साथ देखें खुदा के कला में से युन्ना की अंजील उन्नीसवें बाप और उसकी अठाईसवीं आयत खुदा के कला में यूँ लिखा है इसके बाद जब यसु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविशता पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हो आमीन ये यह युहन्ना की अंजील का कलमा पाँचवा इसको जस्मानी दुख का भी कलमा कहा जाता है कुछ लोग इसको कसरत की जिंदगी का भी नाम देते हैं आज हम देखेंगे कि खुदा यसुमसी का ये पांचवा कलमा जो उन्होंने सली पर कहा इनके क्या मानी है खुदाबंद ये क्यों कह रहे हैं क्यों है इतनी खुदा यसुमसी यहाँ बात कर रहे हैं पाँचवें कलमे के अंदर कि वो किस तरह की प्यास उनकी जो उन्होंने बयान किया किस तरह की वो प्यास महसूस कर रहे हैं बहुत सारे लोग इसको रूहानी प्यास भी कहते हैं कि खुदा यसुम सी आज भी रूहों का जिंदगियों का प्यासा है सो आज हम देखेंगे पहली तो इसके रीज़न ये नबूबतें पूरी हो रही हैं जैसे यहाँ लिखा है कि ये इसलिए कि ये नवश्ता पूरा हो और ये जबूर उनहत्तर के अंदर हम देखेंगे तीसरी आयत मैं चलाते चलाते थक गया मेरा गला सूख गया मेरी आंखें अपने खुदा के इंतज़ार में पथरा गई सो ये प्रॉफ़सी फिर इक्कीसवीं आयत के अंदर उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सरका पहलायाोपसी फिर जबूर बाईस के अंदर हम देखते हैं पंद्रवी आयत के अंदर मेरी कुवत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई और उन्होंने मुझे मौत की खाक में मुला दिया सो हम देखते हैं कि ये नबूवत है प्रोपसी है जो खुदा यसुमसी की जिंदगी में जितनी भी पुराने अहदनामा की नबूवतें होती हैं उनके पैदा होने से लेकर मरने और जीठने तक सो खुदाम यसुम यहां हम आज डिटेलन ये देखेंगे कि बिलाखर उन्होंने क्यों अपने आप को पानी के लिए कहा कि मैं प्यासा हूं जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे स्कॉलर बताते हैं कि रूहानी प्यास है लेकिन आज आ, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं यसो मुसी हकीकत जसमानी प्यास के लिए कह रहे हैं फिजिकली जो कुछ उनके साथ हुआ गदसमनी से लेकर कैसे खून उनका बहना शुरू हुआ खून की कमी के बायस जिसम में पानी की कमी हुई डिहाइड्रेशन हुई और इस कदर खुदा यसुमसी के बदन में सारी रात फिर दालतों में रहे जैसे ही सारी रात दालतों में रहे सुबह होते ही उनको कोई कलवरी की तरफ रवाना किया भारी वजनी सलीब थी और फिर कोड़े मारे गए उनको एक कम चालीस पूरे बदन का जो हालात था बदन यहाँ जबूर नवीस बयान करता है कि कैसे उनका बदन था जबूर नवीस बताता है कि जैसे हल चलाने वाले रिगाया बनाते हैं मसीह की कम्बर के ऊपर जब कोड़े लगे सो बदन टोटली तो वीक और कमजोर था खुदाम यसुम मसीह पानी की शिद्दत को महसूस कर रहे हैं और यसुमसी के पहले तीन घंटे जो थे वो रोशनी में थे गर्मी की शिद्दत में थे और बाकी जो दूसरे तीन घंटे थे वो टोटल तारीख थी और ये दूसरे हवालों में हमें बिल्कुल साफ मिलता है कि यसु मसीह की बिलाकर ये सलीब सलीबी मौत सिलीप पर जाना ये पूरी दुनिया के गुनाओं का कफारा था और यह मैं बताना चाहता हूं कि पांचवें कलमे का बिल्कुल चौथे कलमे के साथ लिंक्ड है वहां उन्होंने ये कहा आए मेरे खुदावंद आए मेरे खुदाउं तूने मुझे क्यों छोड़ दिया यसुसी बाप की रफाकत से फेलोशिप से बिल्कुल अब कर चुके थे गलतियों तीन तेरह के अंदर लिखा है कि वो हमारे लिए लांति बना जब जमीन पर अपनी वो जान दे रहे थे स्लीपर थे तो बाइबल में लिखा है जब वो चला रहे चौथे कलमे के अंदर के, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया बाप टोटली सेपरेट थे और खुदा का बेटा जो कभी भी अजल से लेकर बाप की रफाकत से जुदा नहीं हुए थे आज वो बाप की रफाकत से जुदा है और खुदा ने मुंह फेर लिया इसलिए जब इंसान रूहानी तौर पर अपने अंदर अपने आप को खाली महसूस करता है तो फिर उसको किसी चीज की कमी होती है सो गुनाह का खुदा यसु मसीह पर पूरी दुनिया के जब गुनाह थे जब अपनी जान दे रहा था जब कफारा नस्ल इंसानी का दे रहा था तो उस वक्त खुदा यसु मसीह एक गुनेगार की तरह खुदा के सामने था क्योंकि उस वो अपने तमाम दुनिया के का काफारा दे रहा था सो ये कहना फ़क्त कि जिस्मानी उसको रूहानी प्यासी लोगों की बेशक वो दुनिया से प्यार करता था उस वक़्त भी लेकिन इस वक्त फिजिकली प्यास थी आप अंदाजा करें कि ऐसे शख्स जिसके साथ ये इस कदर उसकी साथ उसको दी जाए पानी की कमी हो खून की कमी हो कैसे उसके अंदर कैसे उसकी कैफियत होगी फिलहत यसो मसी यहां उस प्यास के लिए ही तरसता था कि बाप से जुदा था बदन के अंदर शक्त नहीं थी जुदाई थी और यह मैं आपको बताता हूं कि यह प्यास जब इंसान की जिंदगी में किसी तरह का भी खला होता है अब जो के बाप के साथ बेटे की फेलोशिप अब डिसकम्यूनिकेशन है इसीलिए चौथे कलमे का वेरी लिंक है कि वो उन्होंने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया अब तारीखी के अंदर है अंधेरा है बाप के साथ उसका कम्युनिकेशन डिसकम्यूनिकेशन हो गया है इसलिए वो चलाए मैं प्यासा हूं नबोवत पूरी हुई लेकिन वाकई बदनी उन्हें प्यास थी उन्हें अजियत थी उनके साथ जो कुछ उस वक्त हो रहा था खुदा की जजमेंट थी खुदा अब उन्हें एक मेरी और आपकी खातर दुनिया की खातर वो एक गुनेगार मारी खातर बना गलतियों खात के अंदर तो यहां तक लिखा है कि वह मारी खातर लानती बना मीन खुदा ने एक इतना टाइम जो छह घंटे का था बेटे से मुंह छिपा लिया बेटे के साथ डिसकम्यूनिकेशन की इसलिए वो चिल्ला उठे और पानी की शिद्दत का सास आप लू का सुल बाप उस मीर से पूछे जो वहां तड़प रहा है और ये खुदा यसुम मसी की ये हालत यहां पर मरना पांचवा कलमा ये बता रहा है कि खुदा यसुम उसी टोटल कुर्बानी दे रहे हैं एक गुने के लिए पूरी दुनिया के लिए खुदा के सामने एक मुजरम की तरह कीमत अदा कर रहे हैं अब बाप भी उसकी कामल कुर्बानी को देख रहा है लेकिन फिजिकली वह दुख में है यीशु मसीह ने बिल्कुल ये जीत जो सही है एक गुनेगार जिस तरह अबदीत में जिंदगी गुजारेगा जहन्नम में उस आग में खुदाम यसुम ने वो दुख बर्दाश्त किया ना कि फिजिकली खुदामसुम सी ये दुख बर्दाश्त कर रहे थे रूहानी तौर पर भी ये दुख बर्दाश्त कर रहे थे जो पूरी दुनिया के गुना उस वक्त खुद यसुम के ऊपर थे और चला उठे कि मैं प्यासा हूं इसलिए प्यास वाकई ही बदनी थी बदनी बाप के साथ जब रूहानी जिसमानी सेपरेशन है कभी भी एक पल भी ही बेटा बाप से कभी जुदा नहीं हुआ अब चूंकि बाप ने मुंह फेर लिया है खुदा की वो दालत उसके बेटे के ऊपर तभी कफारा था तभी तो इंसान उस पर ईमान लाने से इंसान बच जाता है निजात पाता है इसलिए अब इस में पैगाम यह है कि बेटे ने अपनी जान जब कुर्बान की है जब वो मेरे और आप के लिए दुनिया के लिए वो प्यासा बना खुदा चाहता है कि लोग बेटे पर ईमान लाएं ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए बेटे की इस कुर्बानी को रद्द करने से यसु मसीह की इस कुर्बानी को रद्द करने से याद रखे इंसान हमेशा अब दी आग में जहन में जाएगा क्योंकि इब्जी कोई और है नहीं इवजी की और बन नहीं सकता इसलिए पांचवें कलमे के अंदर हम देखते हैं कि की ये जुदाई यह पानी का तरसना उसने अपनी जान कुर्बान की बाप से उसकी सेपरेशन हो गई और बाप चूंकि उसको एक गुनाह के तौर पर देख रहा था वो मारी खातर लानती बना दुनिया की खातर उसने दुख सहा और बाप अब उससे कुछ देर के लिए कुछ घंटों के लिए तारीख की थी मुंह पीछे किया इसीलिए वो चला उठे कि अंदर एक रूहानी कम्युनिकेशन नहीं थी रूहानी कम्युनिकेशन बाप के साथ नहीं थी इसी तरह आज इस दुनिया के अंदर इंसान जब अपनी प्यास बुझाता है तो वो दुनिया के पीछे फिरता है लेकिन याद रखें इंसान की प्यास कभी भी नहीं बुझ सकती कभी भी उसकी जिंदगी के अंदर तो मना नहीं आ सकता जब तक वो यसुम मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करे खुदाम यसु मसीह भी सलीपर इसीलिए उसने कहा मैं प्यासा हूं चूंकि इंसान के, के गुनाहों की खातर वो अपनी जान कुर्बान कर रहा था और बाप चो के बाइबल में लिखा है खुदा की आंख इतनी पाक है कि वह बदी को देख नहीं सकती खुदाम मसीह उस वक़्त सलीपर कफारा दे रहा था एक गुनेगार इंसान का और बाइबल में लिखा है जब वो कामल इंसान था तो फिर उसने वो सारा दुख सहा सारी अजियत उसने सही और ये जियत बहुत अजीम थी जिस मैंने इसरा में बताया कि चौथे कलमे के अंदर कल वो चलाव ठे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया अब वो कह रहे हैं मैं प्यासा हूं इसलिए शिद्दत है जिसमानी तकलीफ है जिसमानी करब के अंदर है कम्युनिकेशन नहीं, जब इंसान की खुदा के साथ कम्युनिकेशन नहीं तो उसके अंदर एक एक प्यास होती है। सो ये वो ही हस्ती है जिसने अपनी ज़मीनी जिंदगी में कहा कि अगर कोई प्यासा तो मेरे पास आए वो राहक और जिंदगी है लेकिन अब यहां बिल्कुल कोई रूहानी प्यास नहीं फिजिकली प्यास है जो कि वह अपनी जान कुर्बान कर रहा है जान का नजराना दे रहा है सेपरेशन है और उसने वही तजर्बा किया जिसका मैंने पहले बयान किया जो उस मीर आदमी ने तजर्बा कर रहा था जितनी इंसान एक अबियत में दुख उठाएगा जहन्नम का यसु मसीह ने स्लीप पर वो सारे दुख उठाए और अपनी जान सिलीप पर कुर्बान की ताकि इंसानों को मुलाए आज मैं आपको दावा देता हूं कि खुदांद को अपना निजात दिंदा कबूल करे जिसने मेरी और आपकी खातर दुख उठाया और कहा मैं प्यासा हूं खुदा हमदा आपको बरकत दे गॉड ब्लेस यू